वेलकम टू ENP वर्ल्ड। आज हम पुण्यतिथि और पितृपक्ष में क्या अंतर है यह समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुण्यतिथि की। पुण्यतिथि को इंग्लिश में डेथ एनिवर्सरी कहा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष की पुण्यतिथि दरअसल वही तारीख होती है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, अर्थात जिस दिनांक अथवा तिथि को कोई दिवंगत होता है उस तिथि को आने वाले वर्षों में प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो व्यक्ति के मरण दिन की तारीख को ही हर साल पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। पुण्यतिथि को मृत्यु दिवस या स्मरण दिवस भी कहा जाता है। यदि हम पुण्यतिथि का संधि विच्छेद करते हैं तो पुण्य और तिथि प्राप्त होता है। पुण्य का मतलब पवित्र, शुभ, मंगलकारक इत्यादि होता है तथा तिथि का मतलब तारीख, दिनांक इत्यादि होता है। यदि हम पुण्यतिथि के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ पवित्र तिथि, शुभ तिथि इत्यादि है। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु संबंधित परिवार और समाज के लिए दुख का विषय है। ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु दिवस की तारीख को पुण्यतिथि कहना अनुचित लगता है। लेकिन वास्तव में पुण्यतिथि शब्द का प्रयोग मृत व्यक्ति विशेष की आत्मा का परमात्मा में विलीन होने के अर्थ में किया गया है। इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलने की तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है। अब बात करते हैं पितृपक्ष की। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी आत्मा होती है उनका एक विशेष दिन होता है और इस विशेष दिन को जीवित लोगों द्वारा दिवंगत व्यक्ति के स्मृति के रूप में याद रखा जाता है। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, किंतु हिंदू धर्म में इस अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। हर साल पितृपक्ष की अवधि भाद्रपद की पूर्णिमा अर्थात जून माह की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या अर्थात जुलाई माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों की आत्मा वापस धरती पर लौट कर आती है, इसीलिए पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, तब पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध को पाणव श्राद्ध कहा जाता है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।